हेलो दोस्तों, आज हम अनबॉक्सिंग करेंगे सोनी की तरफ से आने वाले एक बहुत ही ज़बरदस्त सिंगल डिन कार स्टीरियो की, जिसका मॉडल नंबर है दोस्तों सोनी A416BT। दोस्तों आज हम इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे। आज मैं दोस्तों आपको इसका पूरा रिव्यू दूंगा। दोस्तों जिन लोगों का बजट 20,000-30,000 नहीं है दोस्तों, वो ये स्टीरियो लगा सकते हैं। साउंड क्वालिटी के मामले में दोस्तों बहुत ही ज़बरदस्त स्टीरियो है। तो भाई चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साइड में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि इस तरह की नॉलेज वाली वीडियो जब भी मैं अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले दोस्तों आप वीडियो देख पाएं। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कंपनी ने बॉक्स पर क्या मेंशन कर रखा है। जैसे कि दोस्तों आप यहां पर देख पा रहे हो, सोनी की ब्रांडिंग है और यहां पर लिखा हुआ है FM AM ब्लूटूथ कार ऑडियो, और यहां पर है इसका मॉडल नंबर DSX A416BT, और यहां पर दोस्तों हमारा एक सोनी का स्टूडियो बना हुआ है। और यहां पर दोस्तों जैसे कि आप नीचे की तरफ देख पा रहे हो, एक्सप्लोर की ब्रांडिंग है और 55x4 दोस्तों, जो कि ये मैक्स पावर है इसकी। यहां पर आप दो फ़ोन से इसे कनेक्ट कर सकते हो। एक्स्ट्रा बेस का दोस्तों इसके अंदर ऑप्शन है और आईपैड USB। और दोस्तों जो इसका ये जो कलर है, जैसे कि आप देख भी पा रहे होंगे जो लाइट है इसकी दोस्तों, वो मल्टी कलर लाइट है। और ये दोस्तों ऑक्स का ऑप्शन इसके अंदर है, और यहाँ पर दोस्तों ब्लूटूथ का ऑप्शन हमें देखने के लिए मिल जाता है, और NFC सपोर्ट है, और एंड्रॉयड और आईफोन दोनों के लिए दोस्तों ये कंपेटेबल है। और दोस्तों यहाँ पर एक एक्स्ट्रा माइक देखने के लिए मिलेगा, और एक दोस्तों यहाँ पर रिमोट देखने के लिए मिलेगा। साइड देख लेते हैं कंपनी ने दूसरी साइड बॉक्स पर क्या मेंशन कर रखा है। तो दोस्तों जैसे कि आप यहां पर देख पा रहे हो, यहां पर सोनी की हमें ब्रांडिंग देखने के लिए मिल जाती है, और एक्स्ट्रा बेस और मैक्स पावर 55x4, और यहां पर ब्लूटूथ वन टच कनेक्शन और NFC का सपोर्ट है। ये क्या क्या प्ले कर सकता है यहां पर दिखाया गया है, यहां पर इसकी डिटेल दी गई है। और दोस्तों 3 प्री आउट हैं इसके अंदर, जो कि दोस्तों इसका क्या काम होता है मैं आगे आपको वीडियो में बताऊँगा। और दोस्तों यहां पर जैसे कि आप देख भी पा रहे होंगे, फ्रंट में ऑक्स दे रखी है और फ्रंट में ही इसकी USB है और म्यूजिक सेंटर, और दोस्तों यहाँ पर आईफोन और जो गूगल प्ले है उसका यहाँ पर आइकन बना हुआ है, और 10 इक्वलाइजर है दोस्तों। जो भी इस रेंज के जो स्टीरियो हमारे इस रेंज में आपको 10 इक्वलाइजर देखने के लिए नहीं मिलेगा। एक ख़ास बात तो दोस्तों इसका ये है, और यहाँ पर दोस्तों ब्लैकआउट लिखा हुआ है। स्टीयरिंग व्हील के कंट्रोल भी देखने के लिए मिल जाते हैं, और यहाँ पर माइक और रिमोट और वही FM AM। चलिए दोस्तों अब मैं आपको दूसरी साइड दिखा देता हूँ। यहाँ पर जैसे कि आप देख भी पा रहे होंगे, सुजुकू की दोस्तों यहाँ पर डायरेक्ट इसमें जो प्लग है इसके डायरेक्ट लग जाता है, इसीलिए दोस्तों यहाँ पर सुजुकू की जो ब्रांडिंग है वो देखने के लिए मिल जाती है। यह है दोस्तों इसका बार कोड, और यहाँ पर वही स्पेसिफिकेशन दिखाई गई है। अब चलते हैं दोस्तों हम तीसरे साइड इसकी, जैसे कि आप देख भी पा रहे होंगे, और दोस्तों यहाँ पर वही इसका मॉडल नंबर है और कार रेडियो प्लेयर क्वान्टिटी हमारी एक यूनिट है। यहाँ पर है मंथ ऑफ ईयर, इंपोर्ट दोस्तों दिसंबर 2020 को इंपोर्ट किया गया है। और दोस्तों यह है इसका MRP 6,990 रुपये, जो कि दोस्तों इसका एक्चुअल MRP नहीं है, वो वीडियो में बीच में या लास्ट में मैं आपको बता दूंगा। कृपया करके आप वीडियो में बने रहें, और यहां पर वही बारकोड देखने के लिए मिल जाता है, और ये कंपनी की कुछ और डिटेल दी गई हैं, चाहे तो आप इनको पोज कर पढ़ सकते हो। तो चलिए दोस्तों अब ज़्यादा मैं आपका टाइम लेते ना हुए, जल्दी से मैं इसको आपको अनबॉक्स करके दिखा देता हूँ। और यहाँ पर दोस्तों हमें सोनी की सील देखने के लिए मिल जाती है, जैसे कि आप देख भी पा रहे हो, जिससे पता लगता है कि सोनी का यह ओरिजिनल स्टीरियो है। चलिए मैं इसको ब्रेक कर देता हूँ यहाँ पर, और मैं इसको अनबॉक्स कर लेता हूँ। अनबॉक्स करते ही दोस्तों सबसे पहले हमें यहाँ पर एक केस देखने के लिए मिल जाता है। चलिए अभी मैं इसको साइड में रख देता हूँ, और यहाँ पर है दोस्तों हमारे जो कवलर हैं। चलिए ये एक इसका माइक है। चलिए भाई अभी मैं आपको पहले सामान इसमें से निकाल लेता हूँ, फिर आपको समझाता हूँ। यह है दोस्तों इसका फ्रेम, जो कि दोस्तों इसकी पैकिंग है काफ़ी अच्छी दी गई है, जिससे दोस्तों ये हमारा ट्रांसपोर्ट में ख़राब ना हो। तो स्टीरियो को रखते हैं अभी दोस्तों हम साइड में, और अभी बात करते हैं पहले हमें इसके साथ हमें क्या क्या जो हमारा सामान है वो मिला है। सबसे पहले दोस्तों हमें यहाँ पर वारंटी कार्ड देखने के लिए मिल जाता है, जैसे कि आप देख भी पा रहे होंगे, इससे पता चलता है कि दोस्तों ये ओरिजिनल प्रोडक्ट है। चलिए दोस्तों अब मैं इसको साइड में रख देता हूँ। दोस्तों ये हैं इसके कपलर, जो कि दोस्तों इसके पीछे की तरफ लगे हैं। चलिए इसको भी साइड में रख देता हूँ। और दोस्तों यहाँ पर हमें जो एक फ्रेम देखने के लिए मिल जाता है, कुछ गाड़ियों में इसकी ज़रूरत पड़ती है इस, और ये है इसका माइक, जैसे कि आप देख भी पा रहे हो, जो कि नॉर्मल जो हमारे स्टूडियो होते हैं किसी के भी साथ आपको एक्सटर्नल माइक देखने के लिए नहीं मिलेगा दोस्तों। ये एक इसकी एक प्लस पॉइंट है,
चलिए इसको भी साइड में रख देता हूँ। और यहाँ पर एक रिमोट दिया गया है और यहाँ पर कुछ और इसमें इसके अंदर स्क्रू हैं। और जैसा कि आपने काफ़ी स्टीरियो देखे होंगे, ये जो इसकी रिमोट की क्वालिटी है दोस्तों काफ़ी बेहतर है। और दोस्तों ये है हमारा मेन जो है इसका यूज़र मैनुअल और किस तरह इसका यूज़ करना है। जैसे कि दोस्तों आप देख भी पा रहे होंगे काफ़ी बड़ा इसका यूज़र मैनुअल है, और अगर मैं आपको इसको पूरा दिखाने लगूँ तो काफ़ी समय लग जाएगा। चलिए दोस्तों अभी मैं इसको साइड में रख देता हूँ यहाँ पर। अब आ जाते हैं दोस्तों हम अपने केस के ऊपर। जैसे कि आप देख भी पा रहे हो काफ़ी अच्छी क्वालिटी का दोस्तों यहाँ पर केस देखने के लिए मिल जाता है। चलिए मैं इसको सबसे पहले मैं इसको खोल लेता हूँ। दोस्तों देखने में तो काफ़ी गुड लुकिंग दोस्तों इसका जो फ्रंट पैनल है काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है। चलिए मैं इसको निकाल लेता हूँ यहाँ पर। और दोस्तों जो इसका फेस है वो डिटैचेबल है, आप इसको अलग कर सकते हो और लगा भी सकते हो जैसे कि आप देख भी पा रहे हो। चलिए मैं दोस्तों इसको भी साइड में रख देता हूँ। अब बात करते हैं हम अपने स्टीरियो की। यहाँ पर दोस्तों ये जो हमारा स्टीरियो है ये एक जो पॉलीथीन है उसके अंदर पैक है। चलिए मैं इसको खोल लेता हूँ पहले। दोस्तों सबसे पहले मैं इसका माउथ लगा लेता हूँ स्टीरियो के अंदर। इस तरह आपको लगाना है यहाँ पर। और दोस्तों ये इसका जो माउथ है डिटैचेबल है जैसा कि आप देख भी पा रहे हो। और अब बात करते हैं दोस्तों हम अपने स्टीरियो की। जैसा कि आप दोस्तों इसका फ्रंट पैनल देख पा रहे हो, सबसे पहले दोस्तों हमें जो इसका जो माउथ है वो निकालने और लगाने के लिए यहाँ पर एक बटन देखने के लिए मिल जाता है, और यहाँ पर ऑन ऑफ के लिए एक बटन देखने के लिए मिल जाता है, और यहाँ पर कुछ सर्च वगैरह के लिए भी एक बटन दिया गया है, और दोस्तों यहाँ पर मोड के लिए एक बटन देखने के लिए मिल जाता है। अगर मैं दोस्तों वॉल्यूम नॉब की बात करता हूँ यहाँ पर, तो दोस्तों प्रीमियम क्वालिटी यहाँ पर हमें वॉल्यूम नॉब देखने के लिए मिल जाती है, जिसे दोस्तों देख के ही पता चल पाता है कि हाँ ये क्या चीज़ है। और दोस्तों मैं वीडियो में आपको बयान नहीं कर सकता ये देखने में कितना ज़बरदस्त स्टीरियो लग रहा है। और दोस्तों इसे यूज़ करने के बाद भी मैं आपको बता दूंगा किस तरह का ये स्टीरियो है। ये है दोस्तों इसका वॉल्यूम नॉब, और यहाँ पर दोस्तों ब्लूटूथ की ब्रांडिंग है, और यहाँ पर लिखा हुआ है सोनी, और यहाँ पर दोस्तों हमें ड्यूअल ब्लूटूथ कनेक्शन यहाँ पर लिखा हुआ देखने को मिल जाता है, और यहाँ पर है आईपैड यूएसबी, और यहाँ पर वही इसका मॉडल नंबर DSX-A416BT। और दोस्तों यहाँ पर हमें 1, 2, 3 बटन यहाँ पर देखने के लिए मिल जाते हैं, 4, 5, 6, और यहाँ पर दोस्तों एक्स्ट्रा बेस का जो हमारा बटन है वो देखने के लिए मिल जाता है। अगर दोस्तों आप इसको प्रेस कर दोगे जो आपकी बेस है वो डबल हो जाएगी। और दोस्तों यहाँ पर हमें यहाँ पर ऑक्स का इनपुट देखने के लिए मिल जाता है, ये भी दोस्तों काफ़ी प्रीमियम क्वालिटी की इनपुट है। और अगर मैं इसकी यूएसबी की बात करता हूँ तो यहाँ पर यूएसबी का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है, जो कि एक स्लाइड है। ये भी दोस्तों इसका एक प्लस पॉइंट है, जिससे आपको यूएसबी यूज़ करनी है तो ठीक है, नहीं तो आप इसको क्लोज़ भी कर सकते हो। और दोस्तों अब चलते हैं हम इसकी दूसरी साइड। जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पर कुछ होल दिए गए हैं एयर के लिए, और यहाँ पर भी कुछ होल दिए गए हैं, और इस साइड भी। अब आ जाते हैं दोस्तों हम इसकी बैक साइड पर। बैक साइड दोस्तों जैसे कि आप देख पा रहे हो, बैक साइड जो है दोस्तों वही जो हमारे साउंड के लवर हैं उन्हीं के लिए दिखाई गई है, उन्हीं के लिए दोस्तों ये स्टीरियो है। और दोस्तों जो लोग 20,000-30,000 रुपए का स्टीरियो अफोर्डेबल नहीं कर पाते हैं, दोस्तों उन्हीं के लिए ये स्टीरियो है, जो साउंड क्वालिटी तो चाहते हैं दोस्तों 20,000-30,000 रुपए के स्टीरियो की, और दोस्तों उनका बजट उतना नहीं है, तो दोस्तों उन्हीं के लिए स्टीरियो है। और साउंड के मामले में दोस्तों ये उन्हीं की टक्कर का स्टीरियो है। तो चलिए दोस्तों अब सबसे पहले बात करते हैं हम इस साइड की अपने। यहाँ पर दोस्तों जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पर 6 इनपुट दिए गए हैं। लोग उन्हें कहते हैं 6 इनपुट, पर 6 नहीं होते दोस्तों, ये हमारे 3 ही इनपुट हैं। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूँ फ्रंट और रियर के लिए दोस्तों अलग इसमें स्पीकर के कनेक्शन दिए गए हैं, लेफ्ट और राइट फ्रंट के लिए अलग हैं और बैक के लिए अलग हैं। और दोस्तों जैसे कि आप यहाँ पर ब्लैक जो इसके टर्मिनल देख पा रहे हो, जो इसकी इनपुट सॉकेट हैं दोस्तों, ये सबवूफर के लिए देखने के लिए मिल जाती हैं। दोस्तों जब इसको आप गाड़ी में अच्छी तरह से इंस्टॉल कर लोगे, लेफ्ट राइट और दोस्तों फ्रंट और बैक और सबवूफर के कनेक्शन करेंगे, तो दोस्तों जो इसकी साउंड क्वालिटी है वो आपको एक नेक्स्ट लेवल ही देखने के लिए मिलेगी। यही दोस्तों इसका जो मेन कारण है स्टीरियो का, जिसलिए सबसे ज़्यादा सेल होता है। और यहाँ पर हमें दोस्तों एक एंटीना का सॉकेट देखने के लिए मिल जाता है, और यहाँ पर हमें एक माइक का ऑप्शन देखने के लिए यहाँ पर मिल जाता है। अब बात करते हैं हम दोस्तों हीट सिंक की। हीट सिंक भी दोस्तों काफ़ी हैवी क्वालिटी की यहाँ पर हीट सिंक दी गई है, और काफ़ी अच्छा इसका वेट भी है। और यहाँ पर हमें दोस्तों फ्यूज देखने के लिए मिल जाता है, जो कि है 10 एम्पियर का। और यहाँ पर दोस्तों जो हमारी स्पीकर और जो बैटरी की वायर है वो इनपुट यहाँ पर होगी। अगर मैं बात करता हूँ इस स्टीरियो की, तो आप जिस भी गाड़ी में लगाओगे तो जो उसकी साउंड क्वालिटी है दोस्तों वो नेक्स्ट लेवल होने वाली है। दोस्तों अब बात करते हैं इसके प्राइस की। तो प्राइस के लिए दोस्तों मैं आपको बता दूं, जैसे कि आप यहाँ पर बॉक्स पर देख पा रहे हो, यहाँ पर जो इसका प्राइस है वो 6990 रुपये दिया गया है, यानी कि 10 रुपये कम, 7000। तो ये दोस्तों आपका जो स्टीरियो है
5500 रुपये से लेकर और 6500 रुपये तक की रेंज में इजीली मिल जाएगा। दोस्तों जिनका बजट 5.5 से 6500 रुपये के बीच में है दोस्तों, उनके लिए एक बेस्ट ऑप्शन है साउंड क्वालिटी के मामले में। और दोस्तों स्टीरियो भी बहुत ही ज़्यादा गुड लुकिंग है, और दोस्तों जो इसकी लाइट है वो बहुत ही ज़बरदस्त देखने में रात में लगती हैं। मेरा भाई कोई इसको ख़रीदना चाहता हो तो डिस्क्रिप्शन में मैंने इसका लिंक दिया है, आप डायरेक्ट इसको अमेजोन से जाकर ख़रीद सकते हो। अगर दोस्तों कोई मेरा भाई मेरे से ख़रीदना चाहता हो तो मैंने डिस्क्रिप्शन में अपना व्हाट्सअप नंबर दिया है, आप मेरे से भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो दोस्तों वीडियो तो आज की हमारी इतनी ही थी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और जो नए भाई हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साइड में लगे बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि इस तरह की नॉलेज वाली वीडियो जब भी मैं अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले दोस्तों आप वीडियो देख पाएँ। तो चलिए दोस्तों वीडियो को एंड करते हैं और आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।